हर एक जहां में हर एक मकाम पर नबी के झंडे गड़े हुए हैं। हर एक जहां में हर एक मकाम पर नबी के झंडे गड़े हुए हैं। हर एक जहां में हर एक मकाम पर नबी के झंडे गड़े हुए हैं। हर एक जहां में हर एक मकाम पर नबी के झंडे गड़े हुए हैं। जो उनकी अजमत को जानते हैं, जो उनकी अजमत को जानते हैं, उन्हीं के दर पर पड़े हुए हैं। जो उनकी अजमत को जानते हैं, उन्हीं के दर पर पड़े हुए हैं। हो जंगे खंदक या बदर ओहद, तबूक हो या के जंगे खैबर। अब सहाबा वाले चाहिए कहां कहां बैठे हैं, चले मैं देखूंगा दूसरे मिसरे में कौन कौन मेरे साथ है। शेर सुनिएगा। हो जंगे खंदक या बदर ओहद, तबूक हो या के जंगे खैबर। हो जंगे खंदक या बदर ओहद, तबूक हो या के जंगे खैबर। जहां जहां भी नजर गई है, जहां जहां भी नजर गई है, वही सहाबा खड़े हुए हैं। सलामत रहे। जहां जहां भी नजर गई है, वही सहाबा खड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं। जहां जहां भी नजर गई है, वही सहाबा खड़े हुए हैं। सलाम तुम पर, सलाम तुम पर उमर के तुमने नबी का झंडा बुलंद किया है। बात किसकी? सैयदना फारूक आजम की। और आप सैयदना फारूक आजम की खसूसियात से वाकिफ हैं, माशाल्लाह बड़ी दलेर और बड़े जरी थे। तो उसी जुर्रत के साथ मेरा दूसरा मिसरा समाप्त कीजिएगा। खुदारा मुझे अकेला मत छोड़िएगा। मैं अपने बड़ों की तवज्जो का सहारा लेते हुए, हजरत की मोहब्बतों का सहारा लेते हुए शेर आपको दे रहा हूँ। जब दूसरा मिसरा आए तो कैमरे वाले भाई घुमाइएगा कैमरा, मैं वो हाथ देखना चाहता हूँ जो हाथ नीचे है। बात करने लगा हूँ, सुनिएगा। सलाम तुम पर उमर के तुमने नबी का झंडा बुलंद किया है। यही वजह है ये नाम सुनकर, यही वजह है ये नाम सुनकर अभी भी काफे डरे हुए हैं। सलामत रहे, सलामत रहे। यही वजह है ये नाम सुनकर अभी भी काफे डरे हुए हैं। यही वजह है ये नाम सुनकर अभी भी काफे डरे हुए हैं, डरे हुए हैं, डरे हुए हैं, डरे हुए हैं, डरे हुए हैं। यही वजह है
ये नाम सुनकर अभी भी काफे डरे हुए हैं। और हुसैन रब का हुसैनी बोले हुसैन रब का हुसैन सबका निशान मंजिल हुसैन हक का हुसैन रब का हुसैन सबका निशान मंजिल हुसैन हक का हुसैन रब का हुसैन सबका निशान मंजिल हुसैन हक का जो है हुसैनी अभी भी देखो जो है हुसैनी अभी भी देखो वो हक की खातिर डटे हुए हैं। सलामत रहे जो है हुसैनी अभी भी देखो वो हक की खाते डटे हुए हैं। और वो कह रहे हैं वो 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 कह रहे हैं अली से मांगो मैं कह रहा हूँ खुदा से लेंगे। अकीदे की बात जब भी आए तो शर्मा के नहीं खुल के अपना अकीदा बयान करना चाहिए। बात समझ में आई? अगर दूसरा मिसरा पसंद आए अगर वाली बात ही छोड़े इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो मैं हर हाथ उठा हुआ देखना चाहता हूँ क्योंकि मैं जो बात करने लगा हूं उनकी मोहब्बत में हाथ उठाइएगा। बात सुनिएगा क्या है। वो कह रहे हैं अली से मांगो मैं कह रहा हूं खुदा से लेंगे। वो कह रहे हैं अली से मांगो मैं कह रहा हूं खुदा से लेंगे। मैं हुक्म हैदर सुना रहा हूँ मैं हुक्म हैदर सुना रहा हूँ वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। सलामत रहे। मैं हुक्म हैदर सुना रहा हूँ वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। मैं हुक्म हैदर सुना रहा हूँ वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं अड़े हुए हैं अड़े हुए हैं अड़े हुए हैं अड़े हुए हैं। मैं हुक्म हैदर सुना रहा हूँ वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। जो है सहाबा से बुग्ज रखते मेरी नजर से न बच सकेंगे। मौलाना अबुल कलाम साहब शेर देखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी बात में अगर कहूं 100% ये भी कम है, 1000 कहूं ये भी कम है, अरबों खरबों कहूं ये भी कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात में सही हूं। कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको लगे मैं फिर कह देता है अगर नु कट दो इंशाल्लाह तुहानू लगेगा कि बात सही है, तो फिर मेरी हौसला अफजाई करते हुए दोनों हाथ उठाकर मेरी इस बात की ताईद करते हुए इस अंदाज से बेशक की सदा लगाइएगा कि मस्जिद के दरो दीवार गूंज उठे और मेरा मुझे पता चल जाए कि बात आप तक पहुंच गई है। बात क्या है देखिएगा। जो है सहाबा से बुग्ज रखते मेरी नजर से न बच सकेंगे। मैं दिल की आंखों
से देखता हूँ, मैं दिल की आंखों से देखता हूँ, नसीब उनके सड़े हुए हैं। सलामत रहे, सलामत रहे। मैं दिल की आंखों से देखता हूँ, नसीब उनके सड़े हुए हैं। मैं दिल की आंखों से देखता हूँ, नसीब उनके सड़े हुए हैं। तो साबा का दीवाना हाथ उठाकर ये जुमला मेरे साथ मिलकर कहे, सड़े हुए हैं, सड़े हुए हैं, सड़े हुए हैं, सड़े हुए हैं। मैं दिल की आंखों से देखता हूँ, नसीब उनके सड़े हुए हैं। मैं दिल की आंखों से देखता हूँ, नसीब उनके सड़े हुए हैं। मैं दिल की आंखों से देखता हूँ, नसीब उनके सड़े हुए हैं। जो उनकी असमते को जानते हैं, उन्हीं के दर पर पड़े हुए हैं। मेरे नबी का जिक्र सुन के, अजमत सहाबा सुन के, अजमत अहले बैत सुन के, जिसका ईमान ताजा हुआ, जरा दाया हाथ उठाकर कहे सुभान अल्लाह।